हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हमें खेलते कूदते रहिए, हमेशा देश का नाम रोशन कीजिए। माय सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस, हमने अभी ऑन पॉपुलेशन एनवायरनमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन एनवायरनमेंट में क्या कनेक्टिविटी है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे कि क्या रिलेशनशिप है, तो अब हम एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन की वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें। कंसर्न ओवर एनवायरनमेंट इश्यूज अराइज बिकॉज इट इज थॉट that the population may increase to a level whose needs cannot be adequately met by earth's natural resources, resulting fall in living standard of the people. This is because increasing population causes environmental degradation. जो हमारी जनसंख्या है वो इतनी बढ़ चुकी है, अभी एक लेवल तक इतनी जितनी इंक्रीज होनी थी इतनी लेवल तक बढ़ चुकी है कि जो हमारी नीड्स है वो एडुकेट न होके के अनएडुकेट हो चुकी है, और जो अर्थ के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके उनका यूटिलाइजेशन इतना करने लग गए, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है इस वजह से, तो वो जो रिजल्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी कमी होने लग गई है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया, उससे साथ में बहुत सारे एनवायरमेंटल समस्या प्रॉब्लम्स का बॉर्न हो गया, जन्म ले लिया है, इन्वायरमेंट डिग्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन की वजह से। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर्स, फिशरीज एंड मिनरल्स एट रेट ऑफ ग्रेटर दैन देयर कैपेसिटी ऑफ जनरेशन। जो इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन में इंक्रीज की वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाटर है, मछलियाँ हैं, हमारी फिशरीज है एंड मिनरल्स, इनकी जो रेट ऑफ ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इनकी जो रीजनरेट आपस में इनकी रीजनरेट होने की जो कैपेसिटी है उससे तेज़ी से हम इनका ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, जिससे कि इनकी कमियाँ हो रही हैं। बिसाइड्स पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड compels up to cultivate arable lands more intensively by using chemical inputs such as fertilizers, pesticides, which cause soil degradation. जब population बढ़ चुकी है तो population की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने land के उत्पादन को बढ़ाने के लिए fertilizers का use किया, pesticides का use किया, इन सब के यूज करने से हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, वो डी अपशोषित हो चुकी है, पोषित की जगह अपशोषण हो गया है उसका। तो जो हमारी मिट्टी में जो ताकत थी उत्पादन करने की वो समाप्त हो गई है। फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन डिफोरेस्टेशन बाय द रूलर एंड अर्बन पॉपुलेशन फॉर टिम्बर एंड फ्यूल लीड्स टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर एंड देयर फोर कॉजेज एयर पॉल्यूशन। जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो चुकी है, जो पॉपुलेशन है गांवों की और शहरों की बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने जंगलों का डिफॉरेस्टाइजेशन, जंगलों को काटने लग गए हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए, साथ में हमने फ्यूल्स ईंधन यूज कर रहे हैं, उस ईंधन यूज कर रहे हैं उनको पेड़ों को काट करके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे इंक्रीज हो रही है हमारे एटमोसफेयर में, और इससे एयर पॉल्यूशन का जन्म हो रहा, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन का जन्म हो गया पॉपुलेशन की वजह से। दस द पॉपुलेशन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट प्राइमरली थ्रू यूज एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स एसोसिएट्स विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन अरेबल लैंड। तो इन सब की नए पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स ने जन्म लिया है, जैसे कि पानी गंदा हो गया है, पानी प्रदूषित हो गया है, जल प्रदूषित, सॉरी हवा प्रदूषित हो गई है, हमारी जैव विविधता वो ख़त्म हो गई है, और पृथ्वी पर प्रेशर हो रहा है,
लैंड पर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है. एन एग्जाम्पल टू ऑफ एस्टिमेट ऑफ लॉस, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी एस्टिमेट्स दैट इकोनॉमिक्स लॉसेज ड्यू टू सॉइल डिग्रेशन, डिजीज कॉज बाय पॉल्यूशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेशन इन बिटवीन ₹1 लैक्स टू 450 लैक्स करोड़ एवरी ईयर, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड ए सीरीज ऑफ अदर लॉसेज ड्यू टू इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन. टाटा ने, टाटा की जो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एस्टिमेशन किया था कि 1 लाख से लेके 4 लाख 50 हज़ार करोड़ के इतने रुपए तक का हम डिग्रेशन करते थे फॉरेस्ट में 1 साल में. तो आप सोचिए कितना इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा. पॉल्यूशन इंक्रीज कॉज आवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट एंड बिल देयर फॉर एंडेंजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री. ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है लैंड का, वाटर रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी के, फॉरेस्टों की कमी, फॉरेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो रही है. तो ये एक समस्या है, सस्टेनेबल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी हमारे देश में, इन सब के लिए एक समस्या, डेंजर्ड है हमारे लिए, खतरा है ये. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, ए नोटेड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, द कैपेसिटी टू सपोर्ट इवन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन हैज़ बीन एक्सीड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जनसंख्या ओवर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है वर्ल्ड में, एंड इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन नॉट चेक, पॉपुलेशन की ग्रोथ वो चेक नहीं हो पा रही है, इट्स विल बी एंडेंजर एट द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये सब हमारे लिए भोजन सिक्योरिटी, भोजन की सुरक्षा के लिए खतरा है, खतरा है बिल्कुल. जनसंख्या, जनसंख्या ह्यूमंस की तो जनसंख्या बढ़ रही है, साथ में जानवरों की भी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे हमारे भोजन की समस्या पैदा हो जाएगी, जंगलों पर काटने पड़ेंगे, हम एक दूसरे को मार के खाएंगे, पानी की समस्या हो रही है. टू क्वेट हिम अगेन, इन द रिसेंट ईयर देयर हैज बीन कंसिडरेबल कंसर्न अबाउट ह्यूमन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एडिक्वेट फूड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द इंक्रीज इन परचेजिंग पावर रिजल्टिंग इन हायर कंजप्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. नाउ नेक्स्ट, इट इज मैनिफेस्ट फ्रॉम अबव दैट रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज विल लीड टू द ओवर एक्सप्लोटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड डिप्लेशन ऑफ फिशरीज विच विल थ्रेटन द अचीवमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज में जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और ये तेज़ी से बढ़ने की वजह से ही हमारी जो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, और डिप्लेशन हो रहा है, फिशरीज जो हमारी है फिशरीज रिसर्च रिसोर्सेज है उनका, और ये हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए जो डेवलपिंग कंट्रियों में एक थ्रेटन है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है प्राप्त हो रहा है हमें. बिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैज कॉज द लैक ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक एंड गिवन राइज टू स्लम्स विद द पुअर सैनिटेशन विच हैज इंक्रीज द वलनरेबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेवरल डिजीज. जो देखो अर्बन पॉपुलेशन भी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है हमारे वर्ल्ड में इंडिया में, इसकी जो एडुकेटेड जो रिसोर्सेज है उनकी कमी की, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से, साफ पानी नहीं है खाने के लिए, स्वच्छता खाने में स्वच्छता नहीं है, और जो शहर में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, गाड़ियों की देखिए संख्या बढ़ रही है ज़बरदस्ती, और तो इन सब की वजह से ये सब बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाएगा. फिर पानी की समस्या, सैनिटाइजेशन की समस्या, तो ये सारी समस्याएं पॉपुलेशन की वजह से ही जन्म ले रही है. सब समस्या किसकी वजह से जन्म ले रही है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें हर चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमें रसायन उपयोग करने पड़ेंगे, केमिकल उपयोग करने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड उपयोग करने पड़ेंगे, तो पृथ्वी का
जो डिग्रेशन होगा, डिग्रेडेशन होगा, ओवर एक्सप्लोटेशंस हो रहा है, ये सब जन्म लेंगी समस्या, ये सब समस्या जन्म लेंगे जब, तो उसके साथ साथ में लोगों के पास भोजन की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, भोजन की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, साथ में उनके पास पानी की पीने की समस्या और अदर सुविधाओं की समस्या, फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर, तो इन सब की वजह से इन्वायरमेंट के लोगों अलग अलग बीमारियाँ जन्म लेंगी, ये सब दिक्कत होगी फिर। इट फॉलोज फ्रॉम अबव दैट टू मीट द एक्सपेंडिंग नीड्स टू द ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मस्ट बी हेल्टेड फॉर द पर्पज रिडक्शन इन पॉपुलेशन ग्रोथ विल ग्रेटली हेल्प इन एजिंग द इन इंटेंसिफिकेशन ऑफ मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म लेगी, तो हमें इन्वायरमेंट को संभाल के रखना है, हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस को कम करना है, कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है, CO2 है ये हमारी कार्बन उत्सर्जन गैस है, मेथेन की भी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है ये अब, और कुछ हमारे हमारे देखो व्हीकल्स कितने चल रहे हैं, सब हमारे सबके सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, साथ में हमारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे इन्वायरमेंट और ज़्यादा नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट को, तो ये सारी सारी चीज़ें, पॉपुलेशन बहुत समस्या है, पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट हमारे वर्ल्ड में हमारे देश के सामने एक समस्या, विकट समस्या है, तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट में पेड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे, जितने पेड़ यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, जितना हम कार्बन उपयोग कर रहे हैं उससे दुगने पेड़ लगाने पड़ेंगे हमें। ओके बच्चों, ये था पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट का कनेक्शन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे बेटो, थैंक यू।